जीवन बीज की तरह, मैं बोलता हूं लाइफ लाइक अ सीड, हमारे अंदर अच्छी चीजों के भी बीज हैं और बुरी चीजों के भी बीज। योगाभ्यास करने से जो अच्छे बीज हैं आपके भीतर, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव, अच्छी वाणी व्यवहार, ये बढ़ जाते हैं योगाभ्यास करने से, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज, सुबह उठना ऐसे। तो बच्चों को कि अच्छे बीज उनके बढ़ाइए और उनके बुरे बीज, बुरे संस्कार, बुरे विचार, बुरा स्वभाव उसको घटाइए। दूसरा, बच्चों को 18 घंटा पुरुषार्थ करने की आदत डालिए। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैंने लास्ट 40 ईयर से एक दिन भी कोई हॉलीडे नहीं किया है, 9 हॉलीडे लास्ट 40 ईयर्स। क्या बोला? लास्ट 40 ईयर्स 9 हॉलीडे एंड एवरी टाइम हॉलीडे। होली माने खुशी, डे माने प्रसन्नता, हैप्पीनेस एवरी डे, 9 हॉलीडे। अब बच्चे क्या करते हैं, इनकी पढ़ने में मेहनत नहीं करते, काम में मेहनत नहीं करते। आदत बनाओ पुरुषार्थ। तो मेरे साथ बोलो, कर्म ही धर्म है। बोलो जोर से, बोलो कर्म ही धर्म है। बच्चों को 16 to 18 hours मेहनत करने का स्वभाव, अभ्यास, प्रैक्टिस। एक अगली बात, स्वधर्म निष्ठा। स्वधर्म निष्ठा पर धर्म सहिष्णुता, ऐसा। अब ये बात तो आज बच्चों की हुई। अगली बात, अब लेडीज के लिए 2-3 खास बातें बता देता हूं। लेडीज को एक तो मेंस्ट्रुएशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए एलोवेरा पिया करो। ये एलोवेरा घर में लगा के रखो, फ्रेश लो। इसका नाम है घृता कुमारी। क्या नाम है इसका संस्कृत में बोलो? घृता कुमारी। तो जो कौमार्य और घृता माने घी, घी जैसी शक्ति देता है और कौमार्य को बरकरार रखता है, इसका नाम है घृता कुमारी। अमृता, अमृता बल्ली का नाम इसलिए अमृता है, अमृता मरने नहीं देता, रोग व्याधि सबसे बचाता है। तो लेडीज के लिए एलोवेरा रोज पिया करो। फिर लेडीज को किसी भी प्रकार का यूट्रस ओवरी का प्रॉब्लम है तो कपालभाति, कोई भी प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी के लिए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक और दे देते हम। इसके लिए हमने लेडीज के लिए नारी सुधा, अशोका अरिष्ट, ये सब दसमूला अरिष्ट, ये हमारी प्राचीन औषधियां हैं। पहले लेडीज के लिए सबको पता था, अभी नहीं पता, इसलिए हमको थोड़ा बताना पड़ रहा है। लेडीज के लिए मैंने बोला, सब बड़ी उम्र वाला लेडीज बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, एनर्जी के लिए शतावर का चूर्ण सब लिया करो। जिनको ब्रेस्ट में दूध भी पूरा नहीं उतरता है, दूध, माँ का दूध जिसने पूरा पी लिया है, वो उसका बच्चा बलवान बनेगा, उसका इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहेगा, उसके लिए शतावर और जीरा। जीरा को क्या बोलते हैं कन्नड़ में? जीरी के, वही जीरा को जीरी के कर दिया, गे लग गया जीरी के और शतावर, ये दोनों लेना। जिन माताओं बहनों को ये सब बेटियों को माताओं को पता होना चाहिए, जीरी के अनशतावर, ये दो से माताओं को स्तनों में दूध पूरा रहता है, उसका बच्चा हेल्दी होता है। नहीं तो आजकल माताओं का दूध पिलाने के लिए आता ही नहीं है, इसलिए बच्चे कमजोर रहते हैं, ये जरूरी। खैर अगली बात, जिन लेडीज को बैकेक रहता है, बैकेक के लिए चंद्र प्रभावटी सब ले लो। गिलोय, इसका गोली भी आता है, इसका काढ़ा पियो। एलोवेरा, गिलोय, एलोवेरा, चंद्र प्रभावटी, एकदम कमर दर्द, ये जोड़ों में ज्वाइंट पेन लेडीज को बहुत रहता है। और कम से कम 4 आसन करना, 4 से 5 आसन। उष्ट्रासन करो बेटा थोड़ा सा, इतना बस। ये बिटिया ने ओलंपिक में क्या किया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम बिटिया का? तनुश्री। के लिए जोरदार ताली बजाओ भैया, इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो बेटियों को एक तो उष्ट्रासन करना, फिर भुजंगासन करो। ये भुजंगासन तो बहुत इजी है, ऐसे ही आराम से थोड़ा, इतना ही, थोड़ा थोड़ा करो, इतना बस। अब ये तो इतनी झुक जाती है, पीछे टिका देगी सीढ़ी।
इसका तो ऐसे करो, इधर हो, इतना फ्लेक्सी ऐसे इधर करो। अब लेड बेटियों का शरीर तो इतना फ्लेक्सिबल होता है, देखो अब इसने तो ऐसे ही कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा करो, चलो वापस भुजंगासन, बस इतना हाथ यहाँ रखो, थोड़ा करना, इतना इतना ही कर लेना तुम। अब इस जितना करोगी तो अगला जन्म लग जाएगा। भुजंगासन, फिर दूसरा भुजंगासन ऐसे करो, यहाँ रखो हथेली पर, हथेली रखो, यस, फिर यहाँ थोड़ी रखो इस पर, फिर उठा दो, उठाओ सामने से उठाओ, भुजंगासन करो, यस, यही लो, यस, पैर पीछे पास में, यस। ये तो ज़्यादा कर देती है, फ्लेक्सिबल है ना बहुत। फिर पीछे जो है, पीछे से पैर उठाओ, हाथ नीचे रखो, शलभासन, शलभासन, दोनों हाथ नीचे, जंघों के नीचे, एक एक पैर उठाओ, एक एक, वन वन, फिर दूसरा ऐसे किया करो, ये कमर के लिए, वो धनुरासन करो पीछे से, हाँ थोड़ा थोड़ा करना, हाँ थोड़ा थोड़ा ही कर पाओगे आप तो, ये तो पूरा कर देती है, हाँ इतना ही कर पाओ, हाँ ऐसे जितना हो जाए उतना करो, ऐसे ही करो। मरकट आसन, सीधे लेट जाओ, सीधे लेटो, मरकट आसन, दोनों हाथ साइड में फैला दो, देखो मेरे को देखो, ऐसे एक तरफ पैर, एक तरफ गर्दन, उधर गर्दन, फिर दूसरी ओर से, ये 5-10 बार ऐसे कर लेना, फिर इसका दूसरा अभ्यास है, पैर को ऐसे उठाओ और उसको दूसरे हाथ के पास लेके जाओ, हाँ ले जाओ, फिर ये वाला पैर सीधा रखो, उस वाला पैर को इधर ले जाओ, ऐसे। ये मरकट आसन कमर के लिए बहुत जरूरी है लेडीज के लिए, फिर वापस ले जाओ, फिर पवन मुक्तासन, दोनों पैर मोड़ो, यस, ऐसे पैर मोड़ना लगाना, इसी से कमर दर्द अच्छा हो जाता है, इतना सा लेडीज के लिए बड़ी समस्या है, बैठ जाओ बेटा, ये कमर दर्द पूरा ठीक हो जाता है, बस वजन ज़्यादा नहीं उठाना, तो लेडीज को कमर दर्द का बहुत प्रॉब्लम रहता है। इनफर्टिलिटी के लिए शिवलिंग पुत्र जीवक 10 मोलारिष्ट, ये अपने पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों पर आपको मिलता है। बीपी, ब्लड प्रेशर, लो बीपी लेडीज को बहुत रहता है, उसके लिए दूध में शिलाजीत लो या अश्वशिला ले लो, अश्वगंधारिष्ट पी लो, अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, शिलाजीत, लो बीपी, लो बीपी कितने लेडीज को रहता है, करीब करीब 25% लेडीज को लो बीपी रहता है, तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला और शिलाजीत, ये दूध के अंदर लेने से, दूध में थोड़ा शिलाजीत और हल्दी ले लो तो लो बीपी रहेगा ही नहीं, पूरा इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगा, और गिलोय पीना। लो बीपी इससे भी बहुत डेथ होता है लोगों का, हाई बीपी से तो होता ही है, हाई बीपी के लिए तो सोरेकाई जूस और मुक्तावटी, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी और गिलोय। तो ये कुछ बीमारियों के बारे में, माइग्रेन पेन के लिए बादाम रोगन नाक में डालना, मेधावटी 2-2 गोली लेना, अनुलोम विलोम करना, 3 चीज, बादाम रोगन नाक में डालना, ऐसे बादाम रोगन दूध में पी भी सकते हैं, अनुलोम विलोम करना, मेधावटी लेना, और जलेबी को क्या बोलते हैं इधर, जलेबी बोलते हैं, क्या बात है, ठीक है। तो देसी घी का, गाय के घी का, गाय का घी श्रेष्ठ होता है, गाय के घी का जलेबी बना के खा लो और ऊपर से दूध पी लो, तुप्पा, घी, घी तो समझते, घी तुप्पा एक ही बात है सब, गाय का गोघृत, गाय का घी का तुप्पा, उसमें देसी घी का जो जलेबी होता है उस माइग्रेन पेन सिरदर्द को ठीक करता है। अब बताओ ये औषध है। खैर, बच्चों को बुखार आदि होता है तो क्या देते हो, बच्चों को फीवर होता है तो क्या देते हो, पैरासीटामोल, क्रोसिन, नहीं,
और प्रेग्नेंट लेडीज को तो दवाई खानी नहीं, उसको तो डॉक्टर की सलाह से कोई इमरजेंसी में हो तो अलग बात है, प्राणायाम करो, बीपी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, लो बीपी, हाई बीपी, फीवर नहीं होगा, फीवर हो जाए तो ये अमृता बल्ली पियो, लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को तो लेना ही नहीं। बाकी आपके घर में बच्चों को फीवर हो जाए तो गिलोय पिलाओ, 99% गिलोय से फीवर उतर जाता है। फिर एक फीवर होता है बड़ा खतरनाक, उसको बोलते हैं टाइफाइड। टाइफाइड को इधर क्या बोलते हैं आम भाषा में? टाइफाइड ही बोलते हैं। टाइफाइड के लिए ये मैंने पूरे वर्ल्ड वाइड इसको बोला है, अचूक औषधि, 100% क्योर विद इन 3 to 7 days, और कभी होगा नहीं लाइफ में, नहीं तो बहुत खतरनाक होता है टाइफाइड बच्चों को हो जाता है तो। खूब कला, अंजीर और मुनक्का। अंजीर को क्या बोलते हैं? फिग। अंजीर और जो ड्राई वो होता है वो ग्रेप, ड्राई ग्रेप्स को मुनक्का, द्राक्षा, द्राक्षी, किसमिस, द्राक्षी, द्राक्ष, अंजीर, 2 to 3 अंजीर, 5 to 10 द्राक्षा, और खूब कला, ये सरसों जैसा दाना होता है, राई जैसा दाना, वो हम उपलब्ध करवा देंगे। ये जबरदस्त चीज है टाइफाइड के लिए, अद्भुत, नहीं तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है। अब बार बार यूरिन जाने का जिनको प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए चंद्र प्रभावटी और विषतुंदोपटी थोड़े दिन ले लो। लेडीज को भी बार बार यूरिन जाने का प्रॉब्लम होता है, पुरुषों को तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता ही होता है, उसके लिए कपाल भाती कर लो। अब चलो दो तीन बहुत मोटी मोटी बात बताते हैं। बहुत से लेडीज को सिर के बाल झड़ते हैं, हेयर फॉल, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये देखो, ये करो बैठे बैठे 5 मिनट्स, नेल्स को पीछे से रगड़ो। जिनकी खेती उजड़ गई है तो कुछ आ भी जाएगी वापस, इसको पीछे से रगड़ना। आंवला एलोवेरा जूस पीना, अनुलोम विलोम शीर्षासन या सर्वांगासन करना, आंवले का कोई भी प्रोडक्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी ज्यादा पीना, कुछ लोग पानी कम पीते, पित्त बढ़ता, उससे बाल उड़ते, ये ऐसा 5 मिनट्स। मैंने देखा एक भाई का तो पूरा गंज, ऐसे कितने लोगों को मैं जानता हूँ पूरा सिर का बाल उड़ गया था ये करके वापस आ गया। और नारियल का तेल, नारियल के तेल में एक वो पीला ततैया भिरड़ बोलते हैं उसको, पता नहीं इधर होता है कि नहीं होता, वो पीली मक्खी होती है, काटती, बहुत दर्द होता है, उसका छत्ता पका लेते हैं नारियल के तेल में और उसको लगाते हैं तो गंजे सिर पे भी बाल आ जाते हैं। वैसे नारियल का तेल बेस्ट होता है, और ये वाला तो सबसे अच्छा होता है, ये अंदर तक चला जाता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको लगाइए, इसको लगाओ, ये नेचुरल होता है 100%, कच्चे नारियल से बनाते हैं उसको, दूध जैसा मत करके, दही जैसा मत करके तब बनाते हैं इसको, ये नारियल का तेल लगाएगा। ये बालों के लिए हो गया, स्किन के लिए आपको बता ही दिया है। अपने घर में नेचुरल प्रोडक्ट लाइए। आप क्या करते हैं घर में, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये सब दांतों को खराब करने का कार्यक्रम है। आपको दंत कांति का हर वेरिएंट है, उसमें एलोवेरा वाला भी है, उसमें एडवांस भी है, उसके अंदर रेड वाला भी है, उसके अंदर जो है नॉर्मल दंत कांति भी है, छोटे बच्चों के लिए जूनियर भी है, उसमें जिनका दांतों में बहुत सेंसिटिविटी होती है तो दंत कांति उसमें मेडिकेटेड भी है, सेंसिटिव। दंत कांति आपके घर में ज़्यादातर लोगों को, 50% लोगों को दांतों का प्रॉब्लम रहता है, दांत या मसौड़े का, दंत कांति से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मेडिसिन भी है, आपका दांतों का स्वच्छता भी है, तो दोनों काम हो गए ना, ब्रश भी हो गया और आपके दांत भी, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया। तो आज सब संकल्प लेकर के जाओ, अपने घरों में दंत कांति ही लेकर के आना, कोलगेट नहीं, पेप्सोडेंट नहीं, क्लोजअप नहीं, क्लोजअप को क्लोज करो, अब कोलगेट का गेट बंद करो। तो आज से कोलगेट का गेट बंद, क्लोजअप को क्लोज करो अब। ये सब ये आपके दांतों के लिए अच्छा नहीं, केवल केमिकल्स है। हमने सब जो दंत कांति का हमने आविष्कार किया, तो सबसे पहले 30 years ago मेरे को पायरिया पहले अपना ठीक किया मैंने, जेनेटिकली मेरे को दांत और मसौड़ी वीक थे। तो ये जो दंत कांति है इसके कई वेरियंट हैं, एक ही तरह का दंत कांति नहीं है, 7 तरह का दंत कांति है। तो ये एलोवेरा का भी है, जिनके बहुत सेंसिटिव टीथ एंड गम्स हैं
एलिवेरा, फिर इसके अंदर जो है ये मेडिकेटेड भी है, ये अलग है, फिर इसके अंदर ये दंत कांति पूरा फैमिली पैक भी है, इसके अंदर फिर फ्रेश एक्टिव जेल भी है, दंत कांति नॉर्मल भी है, एडवांस भी है। ये दंत कांति दांतों के लिए ये मेडिसिन है। कुछ चीज़ें आदत बदली है अपने घर में, आप कुछ भी प्रोडक्ट उठा के ले आते हैं, ये कंपनियां स्कीम चलाती रहती हैं। ये जो दंत कांति अपना जो नेचुरल है, ये दंत कांति के रेट हमारा कितना रुपए है इसका? 42 यही कोलगेट टोटल 800 रुपए इसका देते हैं। क्यों लेके आते हो कोलगेट टोटल? इससे डबल कॉस्ट देते हो और खाली केमिकल लेकर के आते हो। दंत कांति लगाओ, आपको अपना चेंज करो घर के प्रोडक्ट्स। आपके बाथरूम में दंत कांति दांतों के लिए, केश कांति बालों के लिए, आपका एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए, ये प्रोडक्ट आपके कैसा भी आपको चाहिए, प्रोटीन का शैम्पू चाहिए आपको, एलोवेरा का शैम्पू चाहिए नेचुरल, ये सारी चीजें। और बालों में हेयर ऑयल कभी भी पैराफिन वाला नहीं लगाना, वो तो आपके बालों के लिए कैंसरस। तो दंत कांति, केश कांति, बाथिंग सोप, सब चेंज करो। अपने बाथरूम को चेंज कीजिए, अपनी रसोई को चेंज कीजिए। अब बाथरूम में आपका एक चीज बची हुई थी, वो भी हमने बना दिए, बहुत कम लोगों को पता है, टॉयलेट क्लीनर में हार्पिक लोग यूज करते थे, उसका भी हमने ग्रीन फ्लश, नेचर को, एनवायरनमेंट को भी बचाना और अपने घर को भी प्रोटेक्ट करना। आप अपने फर्श को क्लीन करते हो, पहले तो लोग चौका लगाते थे गोबर का, अभी हमने ये गोनाइल बना दिया है देश में, पहली बार हमने गोमूत्र से ये गोनाइल बनाया और ये सबसे अच्छा फ्लोर क्लीनर है वर्ल्ड का गोनाइल। अभी फिनाइल नहीं, क्या लेके आएंगे घर में बोलो? गोनाइल। जोर से बोलो, क्या लेके आएंगे? हम करीब 1,00,000 गायों को बचाते हैं इसे। 1,00,000, कितना? जरा जोर से ताली तो बजाओ। ये गो रक्षा का उपाय है, गोमूत्र का, गोधन अर्क। और ये हमने गोधन अर्क तो कैंसर के लिए, ओबिसिटी के लिए, ये है गोधन अर्क। आपको मैं एक प्रयोग करके कई बार दिखाया है, आप लोगों ने पता नहीं टीवी पर देखा है या नहीं देखा। ये चोट पर वो दवाई लगाते हैं लाल रंग की, हैं, बीटाडीन। बीटाडीन का एक चम्मच डालना आप पानी के अंदर, और फिर एक चम्मच इसका डाल देना गोमूत्र का, विद इन टू मिनट्स में पूरा क्लीन कर देगा उसको, पूरा क्लीन कर देता है आपको। ये गोमूत्र, गोधन अर्क, ये गोनाइल, घर के अंदर मैंने कहा ये ग्रीन फ्लश, ये हमने चीजों को कि प्रकृति को, एनवायरनमेंट को बचाना है और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है रोगाणु कीटाणुओं से। अपने बाथरूम को, अपने किचन को, अपने जीवन शैली को चेंज कीजिए, इसके लिए हमने ये अभियान चलाया हुआ है। और खास बात, पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, देश को लूटा था, उसका नाम था, क्या नाम था बोलो? ईस्ट इंडिया। पूरा कई सौ साल तक गुलामी रही देश में, शुरुआत ईस्ट इंडिया से हुई थी। आज बहुत ईस्ट इंडिया है, सारी विदेशी कंपनियां, चाहे कोलगेट है, चाहे पेप्सोडेंट, ये जितने भी नाम इतने हैं, इन कंपनियों के अलग अलग ब्रांड इतने हैं, चाहे वो नेस्ले है, ये सब कोलगेट वाले। और इसके तो बहुत हैं, यूनिलीवर के तो साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, वही डोव से लेकर के, लक्स बाई से लेकर के, सब उसी के हैं। आप इसे क्या फायदा आपको? हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए, 50,00,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था पर इनका कब्जा है। तो आज संकल्प लेकर के जाओ, हम ये चीजें अपनाएंगे। ये बिस्किट है, ये बिस्किट में क्या है? सारे बिस्किट जितने भी बाजार से मिलते हैं, 3-4 चीजों का तो आपको बायकॉट करना पड़ेगा। देखो बाजार में जो मिलने वाले बिस्किट हैं, और ये हमारा एक तो दूध बिस्किट है, एक छोट इसके अंदर, ये तो बड़ा वाला पैक है, फैमिली पैक, एक छोटे पैकेट में 1 कप दूध होता है, एक छोटे पैकेट में 1 कप दूध का पाउडर होता है। तो आप बच्चों को इधर उधर के मैदा के बिस्किट खिलाते हैं, ये दूध बिस्किट खिलाइए, कोलेस्ट्रोल, मैदा, ट्रांसफैट रही, तो काओ मिल्क, 1 कप, एक छोटे पैकेट में, एक छोटे पैकेट में आपको पूरा पोषण मिल जाता है। दूसरा, ये तो डाइजेस्टिव बिस्किट है, ये तो इतना हेल्दी है कि आपने कई तरह के बिस्किट खाए होंगे लाइफ में, इस जैसा ये
खाने में भी टेस्टी, मुझे भी भूख लगी है, तुमको मिलेगा ये आपके लिए, इसी में डालो, ये पूरा पूरा तुम्हारे लिए सारा का सारा, इसी में डालो। ये घर में बिस्किट मैदा वाला नहीं लाना, घी भी दिया है, हनी भी दिया है। भैंस का घी तो आप लोग खाते भी नहीं होंगे ना, इधर तो भैंस का घी नहीं होता, घी को क्या बोलते हैं, तुप्पा, तुप्पा। गाय का खाते हो कि भैंस का? हम गाय का ही देते हैं, गाय का ही घी लाओ। ऑयल कोई भी रिफाइंड ऑयल नहीं लाना, नेचुरल ऑयल। ये बिस्किट बताया मैंने, नेचुरल बिस्किट। सारी चीजें अपने घरों में आप आज से चेंज करो, नेचुरल चीजों को अपनाओ और केमिकल वाली चीजों को अपने घरों से हटाओ, क्योंकि घर में क्या आएगा, परिवार क्या खाएगा, कैसे चलेगा, ये आपको तय करना है। तो आज तो मैंने थोड़ा सा बताया है। नमकीन में भी आप लोग बहुत खराब खराब नमकीन खाते हो, ये पहले विदेशों से आता था, हमने अपने देश में बनाया और उसे आधे दाम पर बनाया। मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको एलोवेरा से लेकर के शैम्पू साबुन टूथपेस्ट से लेकर के जितने भी चीज़ें हैं करीब करीब 50% दाम पर देते हैं। दवा तो हम 10 गुना सस्ता देते हैं, मुक्ता शुक्ति, चंद्रप्रभावटी, अविपत्ति करचोण, त्रिफला चोण, 50% से लेकर के 100% तक हम आपको कुछ कुछ तो 500% तक सस्ते देते हैं। मकसद है अपनी प्राचीन परंपराओं को बचाना, इनको आगे बढ़ाना। तो अपने घर की जीवन शैली को बदलिए, अपने परिवार के अंदर अच्छी चीज़ों को समाहित कीजिए। आज मुझे खुशी हुई जब मैंने पूछा कि सब घरों में तुलसी आप रखते हैं, सब घरों के अंदर अंकुरित खाते हैं आप लोग, उठ करके करीब 50% लोग पानी भी पीते हैं, तो कुछ तो आपने अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाया हुआ है, और अच्छा बनाइए। घरों को चलाने के लिए आपके जीवन में जो तप त्याग चाहिए, आपके जीवन में जो सादगी चाहिए, सहनशीलता चाहिए, सहिष्णुता चाहिए, उसको आप बढ़ा रहे हैं। आपको खूब खूब आशीर्वाद है। बेटी तनुश्री ने बहुत अच्छा योगाभ्यास किया, एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजा दो इसकी।